Wow, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो, धन्यवाद. Hallelujah. 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो. धन्यवाद हो. थैंक यू जीसस, वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता. खुदा ने बहुत से वायदे किए हैं अपने लोगों से. खुदा ने बहुत से वायदे किए हैं अपने लोगों से. करें जब साफ दिल से इल्तजा तो क्या नहीं मिलता. दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता. उम्मीदों का चमन गर सूख जाए, जलती धूपों से. उम्मीदों का चमन गर सूख जाए, जलती धूपों से. करें जब पाक दिल से इल्तजा, खुदा की पाक रूह की बारिशों से क्या नहीं खिलता. दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता. चाहे शेरों की मांदों में भी या डाले जलती भट्टियों में. चाहे शेरों की मांदों में भी या डाले या जलती भट्टियों में. खुदा के आशिकों को क्या, खुदा के आशिकों को क्या. यसु जाकर नहीं मिलता. हालेलुया. वो आग की भट्टियों में चला आया शद्रक मेशक अबेदनेगो के, उम्मीदनेगो के पास. हालेलुया, हालेलुया. ना होगी कभी भी कुछ भी कमी यीशु के लोगों को. ना होगी कभी भी कुछ भी कमी यीशु के लोगों को. हजारों काल में भी तालिबों को क्या नहीं मिलता. अकाल में भी खुदावंद एलिया को गोश्त खिलाता है. हालेलुया. हजारों काल में भी तालिबों को क्या नहीं मिलता. दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो
क्या नहीं मिलता दुआ में, क्या नहीं मिलता। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, खुदावंद की ओर अपने हाथ फैलाएं और अपनी आवाज़ बुलंद करें, पुकारें उसके हजूर में। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नासरी, तेरे लहू की जय। यीशु नासरी, तेरे लहू को हम पुकारते हैं। यीशु नासरी, तेरे लहू के साए के नीचे आते हैं, तेरे लहू में छिपते हैं खुदावन, तेरे लहू में, तेरे लहू में, तेरे लहू में छिपते हैं, तेरे खून में छिपते हैं, खून में छिपते हैं, खून में छिपते हैं खुदावन, तेरे लहू के साए के नीचे छिपते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे खून के साए के नीचे, तेरा खून हमारी पनाह है, तेरा खून खुदावंद हमारी जान का किला है, तेरा खून वो अब्दी चट्टान है खुदावंद, तेरा खून हमारी आशा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा लहू हमारा कफारा है, तेरा लहू हमारा छुटकारा है, तेरा लहू हमारा मसा है, तेरा लहू हमारी ज़िंदगी है खुदावंद, तेरा लहू हमारी ढाल है, तेरे खून में हमारा तवक्कल है, हमारा भरोसा है, हमारा ईमान है। तेरा खून जिंदा है, तेरा खून जिंदा है, तेरा लहू मर नहीं गया, तेरा लहू फना नहीं हुआ, तेरे लहू से ज़िंदगी जुदा नहीं हुई। जब लहू ने तेरा जिस्म छोड़ा खुदावंद, उसके अंदर वही ज़िंदगी कायम है, क्योंकि तेरा खून अबदी है, तेरा खून अब्बा का खून है। हालेलुया, रब्बुल अफास का खून है, तेरा खून यहुआ राफा का खून है, यहुआ एल एलोहे इज़राइल का खून है, तेरा खून हालेलुया स्वर्ग के परमेश्वर का खून है, तेरा खून जिंदा है। हालेलुया, हम तेरे खून को पुकारते हैं, तेरे लहू को, तेरे लहू को, तेरे जलाली लहू को पुकारते हैं खुदावन, तेरे खून को, सब यीशु मसीह के लहू को पुकारें, यीशु मसीह के लहू की तमजीद करें, यीशु मसीह के लहू की सिताइश करें, यीशु मसीह के लहू की परस्तिश करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। बेकरार बह लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए, बार बार बह लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। तार तार बह लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए, बेकरार बह लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए, बेकरार बह लहू सूखा तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, मेरी कीमत चुकाई।
आर पार बह लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए, सुए धार बह लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए। गाइए, पीठ पर रे घारियां खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, पीठ पर रे घारियां खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए, सुए धार बह लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए, बेकरार बह लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए। ये लहू जो यीशु के बदन से बहता है, ये तुझ से मुझ से कहता है, ये लहू जो यीशु के बदन से बहता है, ये तुझ से मुझ से कहता है, बाह में तेरी शिफा को, 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 ये मेरा खून है जिस्मो जा की शिफा, पियोगे जब भी से ये देगा जीवन नया। हालेलुया, खुदावंद तेरा खून नई जिंदगानी से भरा है, तेरा खून आज भी जिंदा है, तेरा खून आज भी ताजा है, तेरा खून आज भी मौजे करता है, तेरा खून आज भी छुटकारे देता है, तेरा खून आज भी जंजीरें तोड़ता है, तेरे खून में आज भी शिफाएं हैं, तेरे खून में आज भी वफाएं हैं। हालेलुया, तेरे खून से खुदावंद तेरी मोहब्बत की दास्तान लिखी है, तेरा खून तेरे बदन से जुदा हुआ, जलाली खून अब दो अबाल तक जुदा रहेगा। तूने कहा जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता है, देखो मुझे छू के देखो, मेरे हड्डी भी है और मांस भी है लेकिन खून नहीं है। यीशु जलाली जिस्म में है, अब उस जिस्म में खून नहीं है, वो उस जिस्म में आया ताकि खून बने और यहोवा का खून उस जिस्म में आए। भाइयों और बहनों, खून गवाही देता है, खून के वसीले निजात है, खून के वसीले छुटकारा है, खून से पापों की माफ़ी मिलती है। बिना खून के हम यहोवा के पास नहीं जा सकते, बर्रे के लहू के बगैर कोई रब्बुल अफाज आसमानी बाप का चेहरा नहीं देख सकता। इसलिए ज़रूरी था उसके लिए कि वो जिस्म में आए और उस जिस्म में जलाली खून पैदा किया जाए। ये यहोवा का खून है। एक बच्चा अपने पेट में अपनी माँ का ब्लड नहीं लेता, प्लेसेंटा माँ की कोख में माँ के लहू को बच्चे के जिस्म में आने नहीं देता है। बच्चे के अंदर खून उसके बाप का होता है। हालेलुया, यीशु के बदन में यहोवा का पवित्र खून था। आपको मालूम भाइयों और बहनों, बाइबल में लिखा है, खुदावन ने कहा कि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम सचमुच मरोगे। परमेश्वर ने आदम हवा से कहा, जिस दिन तुम फल खाओगे तुम सचमुच मरोगे।
आपको मालूम मौत के लिए क्या शब्द है बाइबल में, इब्रानी में? बाइबल में इब्रानी में मौत के लिए शब्द है मूत। मूत, वहीं से मौत वर्ड निकला है। मूत का मतलब जब ब्लड साइलेंट हो जाता है, दमा मूत, जब ब्लड क्वाइट हो जाता है तब मौत आती है। लेकिन यीशु मसीह का लहू पुर फजल है, पुर कुवत है, पुर मसा है। यीशु का लहू जिंदा है, इसलिए शैतान यीशु पे गालिब नहीं आ सका, क्योंकि यीशु के जिस्म में यहोवा का खून है और यीशु मसीह ने अपना खून स्वर्ग की, स्वर्ग में जो ऐद का संदूक है, आर्क ऑफ द कवनेंट है, उसके ऊपर यीशु मसीह का लहू है और वो पिता के आगे है और वो लहू पिता से बातें करता है। यीशु मसीह का खून आपका और मेरा वकील भी है। यीशु मसीह का खून गवाही देता है पिता के आगे, विटनेस देता है। जब आप उसके लहू के नीचे आते हो, उसके लहू के साए के नीचे चलते हो, उसके लहू की कुवत से जीवन जीते हो, फिर आपको बलाएँ छू नहीं सकती, फिर आपको शैतानी साए छू नहीं सकते। हालेलुया, क्योंकि ये खून छिपा के रखता है। यीशु के लहू के नगमे गाइए, यीशु के लहू में धुलते जाइए, रोज़ रोज़ धुलिए, रोज़ रोज़ यीशु के लहू का मिकवा बैप्टिज़म हमें चाहिए। डेली यीशु के खून का बैप्टिज़म, डेली यीशु के खून का। जिनका नाम था स्मिथ विगल्सवर्थ, वो इंग्लैंड में रहते थे और बिल्कुल अनपढ़ थे और पेशे से प्लम्बर थे, और उनकी पत्नी विश्वासी थी और बहुत प्रभु से प्यार करती थी। और जो स्मिथ विगल्सवर्थ थे ये विश्वासी भी नहीं थे, तो उनकी पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी और वो बहुत साल प्रार्थना करती रही। एक दिन स्मिथ विगल्सवर्थ को यीशु मसीह का दर्शन मिला और वो बंदा बदल गया। 100% उनकी लाइफ इनसाइड आउट चेंज हो गई और स्मिथ विगल्सवर्थ के साथ यीशु मसीह बातें करने लगा। एंजेलिक विजिटेशन हुई, स्वर्गदूत उनके पास आने लगे और यहोवा ने कलाम सिखाया स्मिथ विगल्सवर्थ को खुद, और वो पूरी बाइबल का अध्ययन करते थे। और स्मिथ विगल्सवर्थ एक ऐसे प्रभु के दास बने जिन्हें पूरा संसार जानता है। पूरे विश्व में उस बंदे के द्वारा अद्भुत काम हुए परमेश्वर के, अद्भुत काम, ऐसे अद्भुत काम कि जिस जिस देश में खुदावंद उन्हें लेके गया वहाँ बिदारियाँ आईं। और आपको मालूम स्मिथ विगल्सवर्थ क्या करते थे? वो अपने जीवन में केवल बाइबल ही पढ़ते थे। परमेश्वर ने उनको बाइबल पढ़ने की बुद्धि दे दी स्वर्ग से, और उस बंदे ने सिर्फ बाइबल पढ़ी और कोई किताब नहीं पढ़ी अपनी ज़िंदगी में। और स्मिथ विगल्सवर्थ की एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। उनकी बेटी अभी काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई है, वो भी उनकी गवाही शेयर करती है। स्मिथ विगल्सवर्थ जो खुदा का बंदा था, उसे एक बहुत ज़बरदस्त प्रकाश दिया परमेश्वर ने, होली कम्युनियन का, होली कम्युनियन का। वो खुदा का बंदा डेली होली कम्युनियन लेता था, डेली। स्मिथ विगल्सवर्थ डेली होली कम्युनियन लेते थे। मैंने पढ़ा भी उनकी बुक्स में और उनकी बेटी की टेस्टमनी सुनी दो बार। कई बार वो दो बार प्रभु भोज लेते थे, सुबह और शाम। परमेश्वर ने होली कम्युनियन की, यीशु मसीह के खून की, यीशु मसीह के लहू की कुदरत उस बंदे के ऊपर प्रकट की। मैंने उनकी एक मीटिंग के विषय में सुना, एक सभा हुई उनकी, उसमें लोग एक मुर्दे को लेकर आए, बिल्कुल डेड बंदे को, मुर्दा बंदे को लेकर आए, और स्मिथ विगल्सवर्थ ने उस मुर्दा बंदे को स्टेज पे बुलाया और वो डेड था, मरा हुआ था। हॉस्पिटल ने सर्टिफाई कर दिया था कि बंदे की मौत हो चुकी है। स्मिथ विगल्सवर्थ अपोस्टल ऑफ फेथ था, विश्वास का रसूल, विश्वास का रसूल था, वो प्रेरित था। उसने दो लोगों को बुलाया और उनको बोला इस बंदे को खड़ा करो। उन्होंने उसको खड़ा किया। स्मिथ विगल्सवर्थ उनको, उस बंदे को ज़ोर से छूता और कहता है, राइज इन जीसस नेम।
और उनको बोलता छोड़ दो इसको, और जैसे वो लोग छोड़ते हैं वो बंदा गिर जाता है नीचे, क्योंकि वो मुर्दा था। फिर दूसरी बार स्मिथ विगल्सवर्थ वैसा ही करते हैं, फिर वो बंदा गिर जाता है क्योंकि वो डेड था। स्मिथ विगल्सवर्थ बहुत गुस्से में आ जाता है और तीसरी बार उस बंदे को खड़ा करता है और ज़ोर से उसके पेट में पंच मारता है और उसे कहता है, आई सेड राइज इन द नेम ऑफ जीसस। उसी समय वो बंदा जिंदा हो जाता है, वो मुर्दा जो था वो जी उठता है। हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह के लहू में बहुत गहरे भेद छिपे हुए हैं। कलीसिया ने अभी तक यीशु मसीह के लहू की कुदरत नहीं जानी, यीशु मसीह के लहू के भेदों को नहीं समझा। हालेलुया। मैंने कई बार लोगों के लिए प्रार्थना की, जैसे मैंने लोगों पे हाथ रखा, मैंने देखा मेरे हाथों के बीच में से खून का झरना बहने लगा और उसी समय लोग चंगे हो गए। कई बार मैंने देखा एक रोशनी हाथ से निकली और रोशनी के अंदर ब्लड था, ब्लड के ड्रॉप्स थे। वो खून सुपर नेचुरली स्वर्ग से आता है आपको चंगा करने के लिए। वो आखिरी आदम का पवित्र लहू है, वो आप ही के लिए तो बहाया गया है, मेरे लिए तो बहाया गया है, वो स्वर्ग दूतों के लिए नहीं बहाया गया, एक्सक्यूज मी, वो हमारे लिए बहाया गया। हालेलुया। आइए उस लहू के नीचे आएं। हम एक सिस्टर हैं माया, हिमाचल से, शायद वो ऑनलाइन है। सिस्टर माया के हस्बैंड के लिए सबसे पहले हम दुआ करते हैं। खुदावन, हम सिस्टर माया को और उसके पति को तेरे लहू के साए के नीचे आते हैं, लाते हैं। खुदावन, इस बीमारी को जो चल रही है, ये फीवर और बीमारी, इसे यीशु मसीह, हम उसके पति के शरीर से यीशु मसीह के जलाली नाम में डांटते हैं। इन द नेम ऑफ यहोशा हमशियाक, मे दैट डिजीज लीव दैट मैन। माया'ज हस्बैंड बी हील्ड इन द नेम ऑफ यहोशा हमशियाक। लेट दिस डिमोनिक डिजीज लीव योर बॉडी, लेट इट लीव योर DNA, लेट इट लीव योर ब्लड स्ट्रीम, योर ब्लड सेल्स राइट नाउ, एंड लेट इट कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वी स्पीक हीलिंग ओवर माया'ज हस्बैंड। तेरे लहू की जय हो। हालेलुया। खुदावंद, हम तेरे लहू को छिड़कते हैं तेरे इन प्रिय लोगों के ऊपर। खुदावंद, हम प्रार्थना विनती करते हैं। रॉबी जॉन ने एक भाई के लिए प्रार्थना विनती भेजी है, उस भाई को तेरे आगे लेकर आते हैं। तेरा खून उसके जीवन पे छिड़कते हैं, उसकी किडनीज के अंदर तेरा खून बहे इसी समय। खुदावंद, तेरा खून बहे, तेरा खून बहे मेरी नस नस में, तेरा खून चले मेरी नस, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी नस नस में, तेरा खून चले मेरी नस नस में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे दे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। सुनीता कौर जी इंग्लैंड से प्रेयर रिक्वेस्ट हैरी के लिए भेज रहे हैं। आइए सब मिलके हैरी को, लॉर्ड वी प्रेजेंट हैरी बिफोर योर थ्रोन ऑफ ग्रेस। वट एवर इज एलिंग, वट एवर प्रॉब्लम, द इश्यूज हैरी इज फेसिंग, यू नो इट लॉर्ड, यू नो हैरी इनसाइड आउट, यू नो हैरी मोर देन हैरी डज। So Lord, we pray that your angels will reach out unto Harry even now. Lord, that the darkness will break. Lord, darkness will break. The curse will break through the blood of the Lamb. Through the blood of the Lamb. You will reach out, Harry, Lord, even right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Tere lahu ki jai ho, Khudavan. Harry ke jeevan mein ek mauza ho. Yeshu Masih ke naam mein. Aur bhi apni prarthana ki binti, yadi aap chahte ho prarthana, मिलके हम प्रार्थना करें एरिक के लिए, उसके परिवार के लिए, एरिक की मिनिस्ट्री के लिए।
प्रार्थना करें। परमेश्वर एरिक पे अपनी मर्जी प्रकट करे कि कलीसिया की स्थापना हो और प्रभु का काम हो। यदि ये सब कुछ प्रभु की ओर से है तो परमेश्वर इन कामों को दृढ़ करे। मिलके प्रार्थना करें। लॉर्ड वी प्रे फॉर एरिक दैट ही विल बिकम योर सर्वेंट। ही विल बिकम योर सर्वेंट हु अडोर्स यू एंड लव्स यू नॉट फॉर एनी अल्टीरियर मोटिव लॉर्ड बट जस्ट टू सर्व यू विद अ वेरी सिंसियर हार्ट। Bless him, bless his father and mother, bless his sibling. May your hand be upon him, Lord. Hallelujah. तेरे लहू की जय हो, यीशु मसीह के जलाली नाम में। और प्रार्थना की बिनती अगर आप चाहते हो, we will be praying for you. Hallelujah. Lord, I pray for Jaswant Singh and Jaswant Singh's wife. May your hand be upon Jaswant Singh and his wife. Lord, we plead your blood over this man. Plead your blood over his household, Lord. And we release your blessing over Jaswant Singh. In the name of Yahusha HaMashiach. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mayaji, you are going to see a miracle. Your husband is going to be healed miraculously in the mighty name of Jesus. You will see this miracle. Father, we pray for Minusood. We pray for Minusood's husband. We pray for Minusood's family. Minusood ke gharane pe tera lahu chidakte hain. Tera khoon inke jeevan mein rajya kare. Tere lahu ki shakti rajya kare, Khudavand. Tere khoon ke saaye mein inhe chipate hain. Khudavand, hum Rajni ke liye prarthna karte hain, jo delivery ke liye hospital mein hai. Rajni ki delivery normal ho. Rajni ke ird gird tere doot ho. Rajni ko hospital mein protect karna, har ek tarah ke virus se, Khudavand. उसे और उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करना, उसके घराने पे तेरी कृपा हो खुदावंद। हालेलुया खुदावंद। हम जसवीर के लिए, पुष्पा सीमा पिंकी के लिए प्रार्थना करते हैं। जसवीर, पुष्पा सीमा पिंकी को आपके खून में छिपाते हैं। अपना हाथ बढ़ाएं इनके जीवन पे, अपने करुणा और दया के सिंहासन की ओर खींचे इन्हें खुदावंद। खुदावंद हम कृष्ण के लिए प्रार्थना करते हैं, कृष्ण के लीवर के लिए। उसकी पूरी खुदावंद बॉडी को तेरे खून में छिपाते हैं। तेरे लहू से कृष्ण का लीवर, लंग्स, पूरा शरीर चंगा हो जाए खुदावंद। हालेलुया यीशु मसीह, तेरा खून मैं रिलीज करता हूँ तेरे लोगों के ऊपर, तेरे लहू की कुदरत को खुदावंद। अमनदीप कौर के लिए, बाजवा के लिए खुदावंद, और वो बहन उसकी, बाजवा भाई की बीवी के लिए खुदावंद, जिसने खुदावंद उपवास रखे हैं, उन्हें भी अपने लहू में छिपाइए खुदावंद, अपने खून में छिपाइए खुदावंद। गुरप्रीत सिंह को, उनकी वाइफ करमजीत कौर को हम तेरे लहू के साए के नीचे लाते हैं खुदावंद। गुरप्रीत सिंह और करमजीत कौर को अपने लहू में छिपाइए, आपके खून के दामन के साथ उन्हें बांधते हैं खुदावंद। मैं बहादुर सिंह आकाश को, उनके घराने को आपके खून में छिपाता हूँ खुदावंद। मैं सुनीता कौर, जो इंग्लैंड में है, उनकी बेटी एंजला ड्रोच और उनके घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपका खून इनके ऊपर छिड़कता हूँ खुदावंद। हालेलुया खुदावंद, आपका धन्यवाद। आई प्रे फॉर थॉमस सेके दैट योर हैंड बी अपॉन थॉमस सेके लॉर्ड। मे यू पोर आउट द ब्लेसिंग ऑफ इब्राहिम अ फादर अपॉन हिम लॉर्ड। फॉर बहादुर सिंह आकाश एंड हिज फैमिली, वी कमेंड देम इन टू योर होली हैंड लॉर्ड गॉड। हालेलुया खुदावंद, देवेंद्र कुलर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके पति के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके दोनों बच्चों को आपके खून में छिपाता हूँ। इस घराने पे अपनी कृपा का हाथ बढ़ाएं खुदावंद, अद्भुत काम करें इनके जीवन में, इनके जीवन में स्वर्ग के द्वार खोलें खुदावंद। इनकी जो नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, फैमिली की मॉनेटरी नीड्स हैं, सब तेरे हजूर में उठाते हैं खुदावंद। तेरी बेटी देवेंद्र कुलर के जीवन में अद्भुत मौजे करना खुदावंद, अद्भुत मौजे, दैट योर ब्लेसिंग जस्ट फ्लोज ऑन हर एंड थ्रू हर लॉर्ड गॉड, दैट देयर इज एन ओवरफ्लो इन हर लाइफ एंड थ्रू द ओवरफ्लो शी कंटिन्यूज टू ब्लेस पीपल अराउंड द वर्ल्ड। लॉर्ड, यू हैव कॉल्ड अस टू ब्लेस द नेशंस ऑफ द अर्थ। द स्कोप ऑफ द ब्लेसिंग दैट यू हैव बेस्टोड अपॉन अस इज नॉट लिमिटेड लोकली, इट्स ग्लोबल। We are supposed to bless the nations of the earth,
all the kindred clans of the earth are supposed to be blessed by us. So bless Devinder Kular, Lord. Lord, Lord, I pray that your hand will be upon our husband. You will bless our children, Lord, with the blessing of Abraham. Hallelujah. Lord, I pray for Geeta, Geeta. I pray that you bless Geeta and her family. That your hand is upon Geeta, Geeta. May you pour out your blessing over her household, in the blessed name of Jesus of Nazareth. Lord, may you pour out your blessing over Amarjeet Kaur from Jalandhar and her household. I release your hand, Lord, and your blessing over her household. Lord, I pray for Krishan Kumar's father. May you bless him. May you stretch forth your mighty hand over that person. Hallelujah. खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद. मैं प्रार्थना करता हूँ साहिल गौरी के लिए फ्रॉम पाकिस्तान. मे यू ब्लेस ब्रदर साहिल गौरी. मे योर हैंड बी अपॉन हिम लॉर्ड जीसस ऑफ नाज़रेथ. ब्लेस प्रिंस सहोता. मे योर हैंड बी अपॉन हिम. मे योर हैंड बी अपॉन बॉबी आर्ट लॉर्ड गॉड. लॉर्ड वी ब्लेस यू. आपके नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं खुदावंद. हालेलुया. लॉर्ड आई प्रे फॉर इंदरप्रीत सिंह एंड आई प्रे फॉर इंदरप्रीत सिंह मदर. मे योर हैंड मूव अपॉन इंदरप्रीत सिंह एंड अपॉन हिज मदर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. इवन नाउ द ब्लेसिंग ऑफ द ब्लड कवेनेंट कम अपॉन हिम लॉर्ड. लॉर्ड आई प्रे फॉर बॉबी आर्ट. Lord, that your blessing flows over Bobby Hart. That your hand moves upon Bobby Hart, Lord. Over his family. Over his brother Charanjit Singh, who is a pastor. Hallelujah. Lord, bless Inderpreet Singh's mother. Tera dhanyavad ho. Hallelujah. खुदावंद नूडीक दीरे आराम नल मेरी जान के ओस्तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान ओ मेरी जान दा केला है ओ मेरी जान दा नजाते पनागा नजाते पनागा सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी खुदावनूडीक दीरे आराम नल मेरी जान. लॉर्ड आई प्रे फॉर दर्शन सिंह, दर्शन सिंह चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ. आई प्रेजेंट दिस मैन बिफोर योर थ्रोन ऑफ ग्रेस एंड मर्सी. ब्लेस हिम लॉर्ड. मेक दिस मैन योर सर्वेंट. यूज हिम. मे दिस मैन विन सोल्स फॉर योर किंगडम. ब्लेस हिम लॉर्ड विद दैट ब्लेसिंग टू बिकम अ सोल विनर फॉर योर किंगडम. Lord, I pray for Hardeep Singh and his family. I present his household before you. Tera dhanyavad ho. Prabhu ne kaha mango to tumhe diya jayega. Agar aap chahte ho aapke liye prarthana kare, apni prarthana binti likhe aur bheje. Hallelujah. Hallelujah. अपनी प्रार्थना विनती लिखकर भेजें अगर आप चाहते हैं प्रार्थना करें हम. हालेलुया. थैंक यू जीसस. तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदावन. तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु. हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे नाम की मदा सराई करते हैं, तेरे नाम को हम जलाल देते हैं खुदावन. हालेलुया. तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी स्तुति गाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं खुदावन. हालेलुया.
ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਏ ਸੋ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਖੜਕਾਵੇ ਜੋ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਬਾਨੀ ਯਸੂ ਜੀ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਯਸੂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਕੇ ਲਈ ਕੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਬਿਨਤੀ ਕਰਨੇ ਸੇ ਆਪਕੋ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਆਤੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪਲੂਸ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਮਹਾਨ ਦਾਸ ਕਲੀਸਿਆਓਂ ਕੋ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਔਰ ਬਹਿਨੋ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਭਾਈ ਔਰ ਬਹਿਨੋ, ਅਗਰ ਆਪ ਕਹੇਂਗੇ ਨਾ ਦੂਸਰੋਂ ਸੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੋ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੰਬਲ ਹੋ, ਹਲੀਮ ਹੋ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਕੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਘਮੰਡ ਸੇ ਆਪਕੀ ਗਰਦਨ ਅਕੜੀ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਆਪ ਸੋਚੇਂਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇ ਲੀਏ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਾਦਰੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਤੋ ਚੀਫ ਅਪੋਸਲ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਤੋ ਮੇਜਰ ਮਾਈਨਰ ਹੂੰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇ ਲੀਏ ਕਹੂੰਗਾ ਤੋ ਮੈਂ ਤੋ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ਹਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਹਲੀਮ ਰਹੇਂ, ਹੰਬਲ ਰਹੇਂ, ਘਮੰਡ ਸੇ ਅਕੜੇ ਨਹੀਂ। ਆਈਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤਨੂਜਾ ਸੇਠ ਕੇ ਲੀਏ, ਤਨੂਜਾ ਸੇਠ ਕੇ ਪਤੀ ਕੇ ਲੀਏ, ਤਨੂਜਾ ਸੇਠ ਕੇ ਘਰਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਤਨੂਜਾ ਸੇਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਸਕੇ ਘਰਾਨੇ ਪੇ ਛਿੜਕਤੇ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਖੋਲਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇਬਰਾਹਾਮ ਕੋ ਆਪਨੇ ਦੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਨੇ ਹਮਾਰੇ ਪਿਤਾ ਇਬਰਾਹਾਮ ਸੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਪਿਤਾ ਇਬਰਾਹਾਮ ਕੋ ਬੜਾਏਂਗੇ, ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਂਗੇ, ਪ੍ਰਥਵੀ ਕੀ ਸਭ ਕੌਮੋਂ ਸੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬੀਜ ਮੇਂ ਸੇ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਂਗੇ, ਔਰ ਉਸਕੀ ਸੰਤਾਨ ਸ਼ਤਰੂ ਕੇ ਫਾਟਕੋਂ ਪੇ ਪ੍ਰਬਲ ਆਏਗੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮਾਰੇ ਪੁਰਖੇ ਇਬਰਾਹਾਮ ਕੋ ਆਪ ਸਰ ਬਣਾਏਂਗੇ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਂਗੇ। ਹਮਾਰੇ ਪੁਰਖੇ ਇਬਰਾਹਾਮ ਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੋ ਤਨੂਜਾ ਸੇਠ ਔਰ ਇਸਕੇ ਘਰਾਨੇ ਪੇ ਖੋਲੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਹਮ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ USA ਮੇਂ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂ। ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪਕੇ ਖੂਨ ਮੇਂ ਛਿਪਾਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਪਕਾ ਲਹੂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੇ ਹਮ ਛਿੜਕਤੇ ਹੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਸਮੀਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਨਕੇ ਘਰਾਨੇ ਕੋ ਆਪਕੇ ਖੂਨ ਮੇਂ ਛਿਪਾਤੇ ਹੈਂ, ਆਪਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੋ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੋਲਤਾ ਹੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਪੇ ਵੀ ਕਰੁਣਾ ਕਰੇਂ, ਮੇਰੇ ਘਰਾਨੇ ਪੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੋਂ ਪੇ, ਬੀਵੀ ਪੇ, ਮਾਤਾ ਪੇ, ਭਾਈਓਂ ਪੇ, ਉਨਕੇ ਘਰਾਨੋਂ ਪੇ ਕਰੁਣਾ ਕਰੇਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿਨਤੀਆਂ ਆਪਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਬਾਤੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਜਿਨ ਜਿਨ ਬਾਤੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਨੇ ਆਪਕੀ ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਾਥ ਬੜਾ ਕੇ ਛੂਏ ਖੁਦਾਵੰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਭਾਈ ਰਮਨ ਕੋ ਆਪਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਬਰਕਤ ਕੋ ਖੋਲਤੇ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੋ ਖੋਲਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਹਮ ਆਪਕੇ ਵਚਨ ਮੇਂ ਸੇ ਮਨਨ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਬਾਤੇਂ ਕਰਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਮੇਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਆਪ ਸਭਕੇ ਲੀਏ ਹਮਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਆਈਏ ਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਵਚਨ ਮੇਂ ਸੇ ਕੁਛ ਬਾਤੋਂ ਪੇ ਮਨਨ ਕਰੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਬਾਤ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਲੂਕਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਮੈਂ 24 ਵਚਨ ਸੇ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੂੰ, 18 ਅਧਿਆਇ ਕੇ, ਲੂਕਾ 18 ਕੇ 24 ਸੇ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਏਕ ਰਿਚ ਯੰਗ ਰੂਲਰ ਹੈ, ਏਕ ਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਬੜਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੇ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਮੇਂ। ਵੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਪਾਸ ਆਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਭੀੜ ਕੋ ਚੀਰਤਾ ਹੁਆ ਮੱਤੀ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਆਗੇ ਆ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਮਾਸਟਰ ਵਟ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਡੂ ਟੂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ।
तो आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह उसे कहते हैं, क्या तू आज्ञाओं को जानता है? हाँ, तू आज्ञाओं को जानता है। क्या है आज्ञाएं? तो प्रभु कौन कौन सी आज्ञा बताते हैं उसको? 20 वचन में, लूका 18:20 में, डू नॉट कमिट अडल्ट्री, जनाकारी मत करना, डू नॉट किल, हत्या मत करना, डू नॉट स्टील, चोरी मत करना, डू नॉट बेयर फॉल्स विटनेस, झूठी गवाही मत देना, ऑनर दाई फादर एंड दाई मदर, अपने माता और पिता का आदर करना। यीशु मसीह पर्पजली अगर ध्यान से पढ़ेंगे, जो दो दो टैबलेट हैं, मैंने आपको अक्सर बताता हूँ, पहली टैबलेट पे आज्ञाएं हैं कि परमेश्वर से हमारा रिश्ता कैसा हो, दूसरी टैबलेट पे आज्ञाएं हैं कि एक दूसरे से हमारा रिश्ता कैसा हो। यीशु मसीह ने कहा सामरी स्त्री से कि समय आता है, वरन अब है, जब पिता के सच्चे उपासक आत्मा में और सच्चाई में पिता की आराधना करेंगे। जो पहली टैबलेट है वो बताती है पिता के संग रिश्ता कैसे करना है, क्योंकि पिता आत्मा है तो आत्मा में पिता के पास जाना पड़ेगा। और दूसरी जो तख्ती वो ये बताती एक दूसरे से कैसे रिश्ता रखना है। आपको मालूम हमारा एक दूसरे के संग रिश्ता हो कैसे सकता है? सच्चाई के द्वारा। आपको मालूम लोगों में रिलेशनशिप क्यों फलदायक नहीं होते? क्योंकि सच्चाई नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब सच्चाई नहीं है तो रिश्ते में कभी सामर्थ्य नहीं होगी। यदि मेरे जीवन में सच्चाई नहीं तो मेरा मेरी पत्नी के संग कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पत्नी के संग वाचा को तोड़ दिया है, जनाकारी की है, हरामकारी की है और वाचा तोड़ दी है, वो तो मेरा संबंध कैसे हो सकता है? तो भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की ओर पलटते हैं, पश्चाताप करते हैं, लहू से धुलते हैं और सच्चाई, एक दूसरे के संग सच्चाई से पेश आना है, झूठ फरेब मक्कारी के संग पति पत्नी का रिश्ता नहीं चलेगा। आपका फैमिली रिलेशनशिप टूट जाएंगे, आपके एक दूसरे संग रिलेशनशिप कभी थ्राइव नहीं करेंगे, फलवंत नहीं होंगे। तो एक दूसरे के संग हमें बांधती है सच्चाई, यहोवा के संग हमें बांधता है रूह। इसलिए आत्मा और सच्चाई में आराधना करनी है। अब आत्मा में तो आप कर लेते हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खोबा राशा खाता ना सखाबा, आप करते करते आत्मा में चले जाते हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति सच्चाई नहीं है, धोखा भी करते हो, चीट भी करते हो, आप एक दूसरे को, दूसरों को इस्तेमाल करते हो अपने मकसद के लिए, पैसे के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हो, दूसरों को सीढ़ी बना के चढ़ जाते हो ऊपर, फिर जब आपका मकसद हल हो जाता है सब भूल जाते हो फिर। तो दो टैबलेट इसलिए दी यहोवा ने, एक टैबलेट बताएगी परमेश्वर के संग कैसे रिश्ता हो, दूसरी टैबलेट बताएगी एक दूसरे के संग हमारा कैसे रिश्ता हो। आपने सुना होगा, मैंने भी सुना, कई बार लोग कहते हैं वो छड़ो जी बंदे तो असी की लेना, असी सिद्धी प्रभु दे नाल गलबात करी दी है। ये जो स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली बकवास स्टेटमेंट है। आपका यदि परमेश्वर के संग संबंध सही होगा तो एक दूसरे के संग आपने लेना है। यही बात कही दुनिया के सबसे पहले मर्डर करने वाले ने। दुनिया का सबसे पहला मर्डरर कौन है? कैन है। उसने अपने भाई का मर्डर किया। जब यहोवा ने उससे पूछा तो आपको क्या, आपको मालूम वो क्या कहता है यहोवा से? वो कहता है क्या मैं अपने भाई का ठेकेदार हूँ? एम आई कीपर ऑफ माई ब्रदर? मुझे क्या लेना देना? अगर आपका भी ये एटीट्यूड है ना एक दूसरे के प्रति, विश्वासी भाई बहनों के प्रति, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप हिपोक्रेट हो। यू आर एब्सोल्युटली ए हिपोक्रेट इफ यू से दैट यू हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड and that's only thing that matters and you don't have to do anything with your fellow brothers and sisters, you are least concerned about them, let them go to hell, then let me tell you, your faith is farce, your faith is farce, it's falsehood, it's hypocrisy, and you are not headed towards Zion, the city of the great king. Aap dhyan se dekhen 10 commandments ko, jo first tablet hai us pe jo pehli 4 commandment hai वो ये बताती हैं, पहली 3 कमैंडमेंट बताती हैं परमेश्वर से कैसे रिश्ता हो, चौथी कमैंडमेंट बताती है परमेश्वर की डिमेंशन में रहना कैसे है, सबत का नियम है, यू हैव टू ओबे हिम, यू हैव टू ओबे द सबैटिकल,
और फिफ्थ कमेंडमेंट क्या है, ऑनर थाई फादर एंड मदर। जो पहली प्लेट है, पहली प्लाक है, जो पहली तख्ती है, जो पहली टैबलेट है, उस पे परमेश्वर ने माता पिता को जगह दे दी है। जस्ट सी हाउ इम्पोर्टेंट फादर एंड मदर आर। आपके माता पिता कितने कीमती हैं। परमेश्वर ने जो पहली टैबलेट है ना, जिस पे परमेश्वर ने अपने नाम को जगह दी है, जिसमें परमेश्वर ने ये बताया मेरे संग तुम्हारा कैसे रिश्ता हो, उसी प्लाक पे, उसी टैबलेट पे नीचे माता पिता को जगह दी है। ऑनर दाई फादर एंड दाई मदर। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जो पहली चार आज्ञाएं वो नहीं बताई इस धनी बंदे को, आखिर की छह आज्ञाएं बताई। ही सेड आखिरी छह ये मान। पहली चार नहीं यीशु मसीह ने कोट की, पढ़ लीजिएगा वचन। यीशु मसीह ने पर्पजली आखिरी छह आज्ञाएं, 20 वचन अगर पढ़ेंगे लूका 18 का 20, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, नोएस्ट दाउ द कमैंडमेंट, डू नॉट कमिट अडल्ट्री, डू नॉट किल, डू नॉट स्टील, डू नॉट बेयर फॉल्स विटनेस, ऑनर दाई फादर एंड मदर। और पहली तख्ती से एक ही आज्ञा उठाई यीशु मसीह ने, ऑनर दाई फादर एंड मदर। देख रहे हैं आप भेद। और फिर यीशु मसीह फिर क्या कहता है, वो व्यक्ति कहता है ऑल दीज हैव आई केप्ट फ्रॉम माई यूथ अप, अपनी जवानी से मैं ये सब आज्ञाओं को मानता आया हूँ। तो अगर मत्ती पढ़ेंगे, मत्ती में लिखा है व्हेन जीसस हर्ड इट ही लव्ड हिम, यीशु मसीह उसे प्यार करता बंदे को, उसके दिल में प्यार आया। तो यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं, यू लैक वन थिंग, एक ही कमी है तेरे में। काश कि प्रभु किसी से कहे कि एक ही कमी है, लोगों में तो बहुत सी कमियां हैं। प्रभु इस बंदे को कहता है तेरे में एक कमी है, और वो क्या है कि तेरे दिल के सिंहासन पे रुपया बैठा हुआ है, तेरे दिल के सिंहासन पे शेकेल राज कर रहा है, शेकेल मनी, तेरे दिल के सिंहासन पे पाउंड डॉलर स्टर्लिंग बैठे हुए, यूरो बैठा है, इनसे प्यार करता है तू, इनके पीछे भागता है, इनको इकट्ठा करना चाहता है, इनके पीछे दौड़ रहा है। और बहुत सारे लोग तो यीशु मसीह को जरिया बनाते हैं पाउंड यूरो स्टर्लिंग इकट्ठा करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात आप। यीशु मसीह आपके दिल के सिंहासन पे अकेला ही राज करेगा। आप यीशु मसीह और मनी दोनों को नहीं बिठा सकते। यीशु मसीह ने कहा यू कैन नॉट सर्व बोथ गॉड एंड मैमन, एंड द वर्ड जीसस यूज्ड इज मैमन। मैमन वाज द गॉड ऑफ मनी इन द ग्रीक पैंथियन, यूनानी देवता था मैमन जो दौलत देता है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं यूनान के उस देवता को जो तुम्हें दौलत देता है, उसकी और मेरी तुम दोनों की पूजा इकट्ठे नहीं कर सकते। चूज ईदर ऑफ देम, उनमें से एक का चुनाव करो। तो यीशु मसीह ने इस बंदे को पल में स्कैन कर दिया, इसका इसके दिल के सिंहासन पे रुपया बैठा था। तो प्रभु ने इसको बोला कि जा, जो तेरे पास दौलत है, सोना चांदी हीरे मोती जमीन जायदाद जवाहरात सब बेच दे। और क्या बोला प्रभु ने, सब कुछ बेच के पैसा मेरी मिनिस्ट्री में लगा दे, ये बोला। सारा पैसा लिया तो मैं तुझे डायमंड पार्टनर बनाऊंगा, जुबली पार्टनर, डायमंड पार्टनर बनाऊंगा या गोल्डन पार्टनर बनाऊंगा, ये बोला यीशु मसीह ने। नो, कवनेंट पार्टनर बन जा सारा पैसा सो करके। नो, यीशु मसीह ने बोला जाके सारा पैसा गरीबों और कंगालों को बांट दे। यीशु मसीह के दिल पे कितनी गहरी बात है कि आप गरीबों और कंगालों को बांटें। आपको मालूम बाइबल में एक टाइद है जो परमेश्वर ने कहा ड्यूटरोनमी में कि एक टाइद निकाल के आपने देना है विडोज को, विधवाओं को, अनाथों को और गरीबों को और सोजर्नर को, परदेशियों को देना है। ये कलाम में लिखा हुआ है, समझ रहे हो आप। दिस इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने उसने उससे ये नहीं कहा सारा पैसा मेरी मिनिस्ट्री में लगा दे। यीशु मसीह ने बोला जा, सब कुछ जाके गरीबों और कंगालों को बांट दे। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है उसका चेहरा एकदम गिर गया, लिखा है हिज कॉन्टेनेंस फेल,
उसके चेहरे पे एकदम उसका दुख, उसका दर्द सामने आ गया। 24 वचन में लिखा, एंड व्हेन जीसस सॉ दैट ही वाज वेरी सॉरोफुल, 23 वचन पढ़ें, एंड व्हेन ही हर्ड दिस ही वाज वेरी सॉरोफुल फॉर ही वाज वेरी रिच। जब उस बंदे ने यीशु मसीह की बात सुनी वो मुरझा गया, क्योंकि वो बंदा बहुत अमीर था। समझ रहे हैं आप, कलाम कह रहा है वेरी रिच, तो कलाम का मतलब है ही वॉज वेरी वेरी रिच, बहुत दौलत थी उसके पास। और उसके पास दौलत थी ये प्रॉब्लम नहीं है, वो दौलत के पास था ये प्रॉब्लम थी। यू हैव मनी, गॉड हैज नो प्रॉब्लम, बट व्हेन मनी हैज यू देन गॉड हैज अ प्रॉब्लम। ही डिड नॉट पजेस द मनी पजेस्ड हिम। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने उसका चेहरा देखा कि चेहरा उतर गया, चेहरा गिर गया, बंदा मुरझा गया, वो दौलत छोड़ नहीं सकता, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, हाउ हार्डली शैल दे दैट हैव रिचेज एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, फॉर इट इज ईजियर फॉर कैमल टू गो थ्रू द नीडल्स आई देन फॉर अ रिच मैन टू एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड। एक कैमल एक ऊंट सुई के नक्के में से निकल जाएगा, पर धनी बंदा स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा। ये शब्द खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों नहीं जा सकता धनी बंदा। धनी बंदे की बात नहीं है यहां पे, उस बंदे की बात है जो धन से प्यार करता है। हालेलुया। धन से क्या करता है, प्यार। वचन में ये नहीं लिखा कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल, प्रेरित पौलुस तिमोथियस की पत्री में लिखता है द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल, दौलत का प्यार, दौलत से इश्क करना। आप प्यार इश्क मोहब्बत सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से कर सकते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह को शरीक पसंद नहीं है। यू कैन नॉट स्वाप योर एलिजियंस, यू कैन नॉट डिवाइड योर लव बिटवीन द टू। जीसस इज अ जेलस गॉड, ही विल नेवर अफोर्ड सच अ थिंग। हालेलुया। तो क्या लिखा है यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि कैमल निकल जाएगा, लेकिन स्वर्ग के राज का जो फाटक है ना, उस फाटक में से अमीर बंदा निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस अमीरी होना प्रॉब्लम नहीं है। इब्राहिम वॉज अ रिच मैन, आइजक एंड जेकब दे वर रिच पीपल, जॉब वॉज अ रिच मैन, ये धनी थे लोग, लेकिन ये धन से प्यार नहीं करते थे, यहोवा से प्यार करते थे। संत पौलुस लिखता है तिमोथियस को, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। लोभ, लोभ समझते हैं आप, कवचसनेस, पैसे की लोलुपता, पैसे के प्रेम। रात को भी आप नोट गिनते रहते हो, सुबह उठ के सबसे पहले अपने खजाने को देखते हो सेफ है या नहीं, दिन भर में दौलत की ओर ख्याल लगा रहता है, कैसे कितना पैसा कहाँ से बनाएं, कैसे इकट्ठा करें। जो पैसे का इश्क है, मोहब्बत है, वो सब प्रकार की बुराई की जड़ है। आपको मालूम जड़ के लिए ग्रीक वर्ड क्या है, प्रेरित पौलुस ने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, ग्रीक वर्ड है रीज़ा, रीज़ा, जिसका मतलब है असल में जड़ नहीं, जिसका मतलब है गर्भ। पैसे का लालच हर प्रकार की बुराई का गर्भ है, जहाँ पे प्रजनन क्रिया होती है, जहाँ पे सीड फर्टिलाइज होता है, गर्भ है ये। हालेलुया। पैसे का प्रेम। तो धनी इंसान क्यों नहीं जाएगा जो दौलत से प्यार करता है, इसके मैं आपको 10 कारण बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से, और ये बहुत पावरफुल स्टडी है। लेकिन ये मैं आपको 2:00 दो बजे हम फिर मिलेंगे, पूरे 2 बजे प्लीज़ आ जाइएगा, 2 बजे हम प्रार्थना फिर से करेंगे। और ये 10 बातें, वाई पैसे से प्यार करने वाला बंदा स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, उसके 10 वजह क्या हैं, परमेश्वर के कलाम में से ये अध्ययन करेंगे। तो हम 2 बजे फिर मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। लव ऑफ मनी, यस, रूट ऑफ ऑल इवल, एंड द वर्ड फॉर लव इज लाइक कावटिंग मनी। हालेलुया। पहला तिमोथियस 6:10 पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके वचन पे हम फिर लौट के मनन करेंगे, फिर प्रार्थना में हम बने रहें, हमारे जीवनों पे अनुग्रह कीजिए।
एक एक को आशीष से भरिए खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप जो उपवास रख के प्रार्थना कर रहे हो, काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं इंडिया में और विदेशों में भी, प्लीज़ प्रार्थना करते रहें। और फिर हम 2 बजे दोबारा आते हैं, 2 बजे ऑनलाइन हो जाइएगा प्लीज़। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।